डीआईडी लिटिल मास्टर में दोस्तों हो चुका है फैंटास्टिक 15 का सिलेक्शन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे कौन से 15 कंटेस्टेंट रहे थे जो कि इस ग्रुप में शामिल हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे इन सभी बच्चों को कौन से टीम में रखा जाने वाला है। तो आपको बता दूं डीआईडी लिटिल मास्टर में कुल 3 टीम होने वाली है दोस्तों, जिसमें कि टीम वैभव रहने वाले हैं, दूसरे कोरियोग्राफर के रूप में पॉल मार्शल रहेंगे और साथ ही साथ तीसरा और अंतिम ग्रुप जो रहेगा दोस्तों वो वर्तिका झा का रहने वाला है। तो हमारे डीआईडी लिटिल मास्टर के इन्हीं 3 कोरियोग्राफर के बीच में हमारे सभी टॉप 15 कंटेस्टेंट अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इन्हीं की ट्रेनिंग के दौरान में इन्हें स्किल किया जाएगा और इन्हें एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हमारे सभी कोरियोग्राफर जम के पसीना बहाने वाले हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे तीनों टीम में कौन कौन से कंटेस्टेंट किस ग्रुप में जाने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वैभव टीम के बारे में। तो बता दूं दोस्तों कि वैभव ग्रुप में जिसमें कि पहला नाम है आद्याश्री उपाध्याय का, दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों ऋषिता ताती, तीसरा नाम रहा अपुन पेगू का और चौथे नाम की बात करूं मैं दोस्तों तो वह है अथर्व अग्रवाल और पांचवा नाम है नवजीत नरजेरी का। तो ये कुल 5 कंटेस्टेंट दोस्तों टीम वैभव में रहने वाले हैं और वैभव ही इन सभी 5 कंटेस्टेंट को अपने तरीके से प्रिपेयर करवाएंगे अगले परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों टीम दूसरा जो कि है पॉल मार्शल का। तो इस टीम में कौन रहने वाले हैं वह भी हम आपको बताते हैं। तो पहले कंटेस्टेंट है इसमें रूपसा बाताब्याल का दोस्तों, दूसरा नाम रहने वाला है जो कि सागर वारपी इनके टीम में मौजूद हैं, तीसरा नाम बताऊं दोस्तों तो वह है सानवी नेगी, चौथे नाम की अगर मैं बात करूं तो वह है आरव श्रेष्ठ, पांचवा और आखिरी नाम रहने वाला है विग्नेश सोलंकी का दोस्तों। तो इस तरीके से ये कुल 5 कंटेस्टेंट पॉल मार्शल की टीम में रहने वाले हैं और इन्हीं की देखरेख में यह सभी कंटेस्टेंट अपना लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अब बात करते हैं अपने तीसरे टीम की जो रहने वाली है वर्तिका झा की टीम। तो इसमें जो कंटेस्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों उनका बारे में बताऊं मैं तो पहले नाम आता है इसमें सृष्टि नेगी का, जी हाँ, दूसरा नाम रहेगा दोस्तों मानसी जाधव का, तीसरे कंटेस्टेंट है आनंद कुमार, चौथा कंटेस्टेंट रहने वाले हैं सादिया परवीन और पांचवा और आखिरी नाम है दोस्तों सृष्टि कनौजिया का। तो इस तरीके से कुल 15 कंटेस्टेंट 3 टीमों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और हमारे तीनों कोरियोग्राफर अपने तरीके से इन सभी बच्चों को स्किल्ड करेंगे और अगला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उन्हें ट्रेंड करेंगे और इन्हीं की देखरेख में यह सभी कंटेस्टेंट अपना लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप बताना मत भूलिएगा दोस्तों कि यह टीम जो सिलेक्शन हुआ है और सभी कंटेस्टेंट जिस टीम में गए हैं आपका फेवरेट टीम कौन सा रहने वाला है और किस कंटेस्टेंट को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वह भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और डीआईडी लिटिल मास्टर के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।